चलो फ्रेंड, कैसे हो यार? तो आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 की। तो देखो, मेरा नाम पंकज है, मैंने ट्रिपल आईटी चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। अगर आप फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करो। तो चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना है। आप पढ़ चुके हो तो चलो देखो, फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्लास नाइन में पढ़ चुका है। इस तरीके से देखो, कोई भी अगर आपको फैक्टर मिलता था ax स्क्वायर, मान लो bx प्लस सी, तो हम क्या करते थे, a और c का मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अब इसके फैक्टर को, सपोज इसका फैक्टर क्या है, a इंटू सी है, तो अब हम a प्लस सी को इस तरीके से ब्रेक करते थे। देखो a प्लस माइनस सी लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे ब्रेक करते थे कि b आ जाए, यही हमारा फंडा होता था। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर वन है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। अब देखो इसका कोफिशियंट यहाँ पे वन है, अब वन इंटू क्या करोगे, माइनस टेन करोगे, तो क्या मिलेगा तुमको, माइनस टेन मिलेगा। अब माइनस टेन का फैक्टर देखो क्या लिखोगे आप, माइनस फाइव इंटू टू, माइनस फाइव इंटू कितना होगा, माइनस टेन होगा। अगर तुम माइनस फाइव प्लस टू ऐड करते हो तो कितना मिलता है, माइनस थ्री मिलता है, राइट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, ये भी एक मेथड है आपका। देखो हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, इसको लिखोगे माइनस फाइव एक्स प्लस में कितना लिखोगे, टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ए वाला, ए इधर से देखो, हमने यहाँ पे अरेंज किया है माइनस फाइव प्लस टू इक्वल टू कितना हो रहा है, माइनस थ्री हो रहा है। चलो इधर से x कॉमन ले लो, तुमको मिलेगा x माइनस फाइव, इधर से अब टू कॉमन ले लो, मिलेगा x माइनस फाइव इक्वल टू क्या कर लो, जीरो, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, अब आपको मिलेगा देखो x माइनस फाइव कॉमन ले लो, देखो x माइनस फाइव यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो हमने कॉमन ले लिया, बचेगा ब्रैकेट में क्या, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो अब इनको इक्वेट कर दो, अगर x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो तो दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, x इक्वल टू फाइव, क्लियर। अब अगर इसको आप इक्वेट कर देते हो, इसको इरेज कर देते हैं, देखो x प्लस टू इक्वल टू क्या कर दो, जीरो, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस टू। तो आपके जो रूट से आ रहा है, एक x की वैल्यू टू आ रही है माइनस टू, और एक x की वैल्यू कितना आ रहा है, फाइव आ रहा है, क्लियर। नोट कर लो इसको, देखो जब भी आप मैथ का लेक्चर कहीं पर भी देख रहे हो, ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल से देख रहे हो, तो आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए। अगर बिना पेन और पेपर के अगर आप ट्यूटोरियल किसी का भी देख रहे हो तो तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब फैक्टर कर लो, टू इंटू माइनस सिक्स कितना होगा, मिलेगा माइनस ट्वेल्व। अच्छा माइनस ट्वेल्व को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस फोर इंटू प्लस का थ्री, सॉरी प्लस का फोर रखो, इधर का माइनस का थ्री, ऐसा हम क्यों, क्योंकि इधर हमको प्लस लाना है, ठीक है। तो इधर हमारा हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स माइनस में थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब टू एक्स कॉमन ले लो, मिलेगा तुमको एक्स प्लस टू, आप माइनस थ्री कॉमन ले लो, मिलेगा एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। इधर से भाई साहब आप x प्लस टू कॉमन ले लीजिए, इधर से आपको मिलेगा टू एक्स माइनस थ्री, ये आपको मिलेगा x इक्वल टू जीरो। अब इनको इक्वेट कर दो जीरो के, तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू क्या मिला, माइनस टू। बोलो आ रहा समझ में, क्लियर। चलो अब हम इसको इक्वल कर देंगे, तो इधर से बताओ क्या मिलेगा, x का वैल्यू थ्री बाई टू मिलेगा, क्लियर। नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। चलो वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पहले आप करो, क्योंकि हमने देखा है अक्सर अपने ऑफलाइन कोचिंग में
बच्चों को रूट वाले क्वेश्चन में ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलो हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। सेम काम करेंगे, रूट टू इंटू फाइव रूट टू, ठीक है। अब देखो रूट टू फाइव रूट टू कितना हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू इंटू फाइव, इस तरीके से लिख लो, रूट टू टू इंटू फाइव कितना हो जाएगा टेन, हमको चाहिए भी नहीं, लेकिन अगर इसी को हम ऐड कर दें फाइव प्लस टू को तो मिल जाएगा सेवन, और सेवन हमको चाहिए। तो इधर लिख देंगे हम रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस इधर लिखेंगे हम टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू क्या लिखेंगे जीरो। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो रूट टू और रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से देखो रूट, अब टू को तुम क्या लिख सकते हो, इधर देखो हम इधर इसके ऊपर जस्ट लिख देते हैं, टू को लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट टू। अब देखो रूट टू कॉमन ले लो, रूट टू एक्स, तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स, यहां से एक रूट टू तो बाहर ले लिए, तुम बचेगा क्या, ठीक है। अब इधर से अब फाइव कॉमन ले लो, बचेगा एक्स प्लस रूट टू, बोलो आया समझ में, क्लियर। अच्छा एक्स प्लस रूट टू कॉमन ले लो भाई, इधर बचेगा रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू क्या होगा जीरो। अब हमारा मेन काम क्या हुआ, घिसा पिटा, इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, तो एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा रे भाई, माइनस रूट टू, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना मिला भाई साहब, माइनस रूट टू। अब इसको भी आप इक्वेट कर दीजिए, रूट टू एक्स प्लस फाइव को जीरो के इक्वल, तो मिलेगा आपको रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, माइनस फाइव बाई रूट टू, एक वैल्यू आपको ए मिल गई, एक हमको ए मिला और एक ए मिला, क्लियर। नोट कर लो, देखो क्वेश्चन नंबर फोर भी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, कर लिया, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या दिया है आपका, है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इक्वल टू जीरो। अच्छा टू इंटू वन बाई एट हम करेंगे तो मिलेगा वन अपान फोर। अब वन अपान फोर का फैक्टर करोगे तो मिलेगा वन बाई टू इंटू वन बाई टू। अब वन बाई टू प्लस वन बाई टू करोगे तो कितना मिलेगा वन, ठीक है, लेकिन हमको माइनस चाहिए, तो इधर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू करोगे मल्टीप्लाई तभी भी वन बाई फोर मिलेगा, तो इसका मतलब हमको माइनस करना पड़ेगा, तो इधर माइनस कर देंगे, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू तो हो जाएगा माइनस वन। बोलो आ रहा समझ में, बोलो ना भाई आ रहा समझ में। चलो देखो यार सीरियसली पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं, हंसी मजाक में आप पढ़ते रहो, आपका तैयारी आसानी से हो जाएगा, देखावटी में सीरियस बनने कोई जरूरत नहीं है। तो देखो टू एक्स स्क्वायर हुआ, इसको हम क्या लिखेंगे वन बाई टू एक्स, इधर भी लिख लो वन बाई टू एक्स प्लस कितना लिखेंगे वन बाई एट इक्वल टू जीरो। अच्छा देखो एक काम करो, यहाँ पे टू है और यहाँ पे हमको टू बनाना है, तो टू बनाने के लिए हम टू से ऊपर और टू से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखना ध्यान दो इसी स्टेप को। देखो हम लिख रहे हैं इसको टू एक्स स्क्वायर, इधर लिखोगे तुम देखो टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, टू से नीचे तो हो जाएगा फोर, इधर हो जाएगा एक्स। हमने क्या किया, ऊपर टू से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो टू हो गया, नीचे टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर, माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई एट इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। अब क्या करो, सिंपली अब हम कॉमन लेंगे, इसको इरेज कर दिया जाए। चलो देखो इधर से 2x मिल रहा है, इधर भी तुमको 2x मिल रहा है, तो 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लिया तो बचेगा क्या x माइनस वन बाई फोर,
क्लियर आ रहा समझ में? इधर देखो इस वाले स्टेप में हमने क्या किया, टू ऊपर मल्टीप्लाई और टू नीचे मल्टीप्लाई किया, ध्यान दोगे ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर जो देखो ये जो वैल्यू दिख रहा है तुमको ये वाला यहाँ पे टू है, इसलिए टू कॉमन लेने के लिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लो, माइनस वन बाई टू कॉमन लोगे तो मिलेगा एक्स माइनस वन बाई फोर इक्वल टू जीरो। देखो दोनों डब्बे में वैल्यू आ गए सेम, तो कॉमन ले लो एक्स माइनस वन बाई फोर कॉमन लिया, इधर मिलेगा टू एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब सेम काम वही करना है, इसको क्या करो जीरो के इक्वल पुट कर दो, एक्स माइनस वन बाई फोर इक्वल टू जीरो पुट किया तो दिस इंप्लाई एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा वन अपान फोर, ये तो एक्स की फर्स्ट वैल्यू निकल के आ रही है। चलो अच्छा सेकेंड के लिए देखो क्या करेंगे, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, तो सेकेंड का भी तुम इक्वेट ही कर दो। देखो इधर से मिलेगा टू एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाई इधर से क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू मिलेगी वन बाई फोर, एक्स वैल्यू वन बाई फोर। तो देखो इधर हमको जो मिल रहा है एक्स की वैल्यू दोनों के केस में हमको क्या मिल रही है सेम मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो दिया है आपका इसमें ए ए वाला अगर आप टू से डिवाइड कर दो, इसको टू से डिवाइड कर दोगे तो ए बन जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। समझ में आया नहीं आ रहा, चलो समझाते हैं तुमको। देखो तो इधर देखो जो इसका जो रूट आएगा, रूट दोनों रूट क्या आएंगे इक्वल आएंगे और वैल्यू कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू वन बाई फोर आ रही है। चलो तो इसको इरेज करके तुमको इसके पीछे की पूरे मैकेनिज्म को समझाते हैं। अगर तुम क्या करते इस टू से डिवाइड करते देखो क्या मिलता है एक्स स्क्वायर मिलता माइनस एक्स बाई टू मिलता आठ रहता तो वन अपन कितना हो जाता सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। अच्छा अभी हमारा वैल्यू कितना आया था एक्स का वैल्यू वन अपन फोर आया था। अब तुम इसको क्या करो देखो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको तुम लिख लो वन अपन फोर का होल स्क्वायर लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब क्या होगा माइनस टू ए बी, तो इसको ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, तो लिखो टू ए और इसको क्या मानो बी, तो टू से टू कट गया तो देखो क्या है टू, तो हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू प्लस देखो अपान वन बाई फोर का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन बाई फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसको इक्वेट कर दोगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने देख लिया अगर आप या तो स्प्लिट करके करो या तो इसको तुम क्या कर लो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ ए वाला कोफिशियंट हमेशा वन होना चाहिए, एक्स के कोफिशियंट हमेशा वन या तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू थ्री इस तरीके से नहीं, परफेक्ट स्क्वायर यानी फोर हो सकता है नाइन हो सकता है ट्वेंटी फाइव इस टाइप से, ठीक है। तुम्हारा मेन एम यही होता है कि हम एक्स के एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को वन बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बात भी करेंगे, अब एक मेथड आप पढ़ोगे उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाकर इसका रूट फाइंड करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करते हैं। और बताओ यार तुम लोग की तैयारी कैसे चल रहा है, टर्म टू तुम्हारा बहुत नजदीक है, तैयारी करते रहो, ठीक है। जो सब्जेक्ट सिर्फ आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पर ही फोकस मत करो, इंग्लिश भी जरूरी है हिंदी भी जरूरी है, ठीक है, एसएसटी भी जरूरी है, बहुतों का एसएसटी मार्क्स बहुत कम आया है, तो आप सारे सब्जेक्ट को बैलेंस बना के चलोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैथ ही पढ़े जा रहे हो, किसी को केमिस्ट्री मजा रहा है तो केमिस्ट्री ही पढ़ते जा रहा है, साइंस में फिजिक्स पढ़ ही रहा है, तो ऐसा नहीं, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना, अगर तुमको मैक्सिमम मार्क्स अगर लाना है तो सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो पांचवा क्वेश्चन दिया है 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो अब 100 इंटू 1 100 इंटू 1 कर दिया, अब इसको आप ए भी कर सकते हो 10 इंटू 10, और देखो
10 इंटू 10 कर लो, या तो माइनस 10 इंटू माइनस 10 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी 100 मिलेगा प्लस में। तो माइनस 10 माइनस 10 आपको मिलेगा कितना, माइनस 20। तो इधर से अभी को लो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ इधर कितना कॉमा ले सकते हो, 10 एक्स, तो हो जाएगा कितना, 10 एक्स कॉमा लिया तो एक्स माइनस 1, इधर माइनस 1 कॉमन ले लो, नहीं सॉरी इधर 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 एक्स माइनस 1, इधर 1 कॉमन लिया तो 10 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 10 एक्स माइनस 1 10 एक्स माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में कॉमन, तो कॉमन ले आ रहे बाबा, इधर 10 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसको ये भी लिख सकते हो आप, 10 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 10 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो भाई, बोल भाई, 10 एक्स इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ये तो हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर देखो यहाँ से अगर तुम देखो तो ये क्या है, ये रियल में क्या है, ये रियल में आपका है 10 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 10 एक्स का होल स्क्वायर है 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते तब भी ये मिल जाता, लेकिन हमको कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यार आशा करते हैं तुमको मजा आया होगा, आप हमारी जर्नी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, तो अगर हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।